तो आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन लगभग टूट चुका है। बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दोनों ने लगभग ये साफ कर दिया है कि आगे अब वो अलग अलग राह पर चलेंगे। मंगलवार को पहले मायावती और फिर अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया है। तो मायावती ने जहां सपा के मूल वोटरों यानी कि यादव वोटरों पर बसपा को वोट नहीं देने का गंभीर आरोप लगाया, तो ये अखिलेश यादव ने इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। मजेदार बात तो ये रही कि दोनों ने सीधे तौर पर महागठबंधन खत्म होने की बात करते रहे, लेकिन उपचुनाव में अपने अपने उम्मीदवार खड़े करने की बात कही। मतलब ये साफ है कि इनकी राह है अब जुदा हो चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी पार्टी उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में अकेले लड़ेगी। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महागठबंधन की तमाम कमियों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सपा का बेस वोट उनकी ही पार्टी को नहीं मिला, नतीजे बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करते हैं। गठबंधन को यादव वोट नहीं मिला, सपा के लोगों ने अच्छा मौका गंवा दिया, सपा में भीतरघात हुआ है, उनके मजबूत उम्मीदवार भी हार गए हैं। मायावती ने आगे ये भी कहा है कि ये एक स्थायी विराम है नहीं है, लेकिन भविष्य में यदि महसूस होगा तो सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्य में यदि सफल होते हैं तो फिर से एक साथ काम किया जाएगा, लेकिन अगर वो सफल नहीं होते हैं तो फिर बसपा के लिए अलग से काम करना ज्यादा बेहतर रहेगा, लिहाजा बसपा ने उपचुनाव में अकेले लड़ने का यह फैसला लिया है। हालांकि मायावती ने यह बात भी विशेष रूप से कही है कि सपा से रिश्ते खत्म नहीं होंगे, क्योंकि रिश्ते राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं है। सपा के काफी कुछ लोगों में भी काफी ज्यादा सुधार लाने की जरूरत है, तथा उन्हें अपने आप में बीएसपी के कैडर की तरह ही किसी भी हाल में तैयार होने के साथ साथ बीजेपी की घोर जातिवादी सांप्रदायिक जन विरोधी नीतियों से प्रदेश देश यानी कि उत्तर प्रदेश देश व समाज को मुक्ति दिलाने के लिए काफी कठोर संघर्ष करते रहने की सख्त जरूरत है, जिसका एक अच्छा मौका सपा के लोगों ने इस बार चुनाव में गंवा दिया है। लेकिन अब आगे इन्हें इसी हिसाब से काफी तैयारी करने की जरूरत भी है, और यदि मुझे लगेगा कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चल सकते हैं। अभी कोई ब्रेक परमानेंट कोई ब्रेक नहीं लगा है। यदि हमें लगेगा, इस बात को मैं फिर दोहराती हूँ, और यदि हमें लगेगा कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चलेंगे। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी मौजूदा हालात में गठबंधन की राहें अलग होने पर मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा है कि वे अपने संसाधनों पर ही चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। गठबंधन को लेकर यही कहूंगा कि अगर गठबंधन टूटा है तो उस पर बहुत सोच समझ कर बोलेंगे। हम कुछ कहें, कोई कुछ कहे, आप आकलन करें। उपचुनाव की तैयारी एसपी भी करेगी। 11 सीटों पर वरिष्ठ नेताओं से राय मशविरा करके पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। रास्ते अलग अलग हैं तो उसका भी स्वागत सबको करना चाहिए और बधाई।
तो वही लोकसभा चुनाव से पहले हुआ सपा बसपा गठबंधन दरकता हुआ दिखाई दे रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली में सोमवार को बुलाई बैठक में गठबंधन के टूटने के संकेत दे दिए थे और इस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चुटकी ली है। उन्होंने लगातार दो ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, अब हाथी नहीं करेगा साइकिल की सवारी, मायावती जी अकेले ही लड़ेंगी सभी सीटों पर उपचुनाव। आखिर में बुआ ने बबुआ को धोखा दे ही दिया, हाथी और साइकिल का कोई मेल ही नहीं था, ये तो सिर्फ मोदी जी का विरोध ही था। सपा बसपा गठबंधन पर परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी तंज कसा है। केवल इतना बताना चाहता हूँ कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। अगर ये एक और करके लड़े तो भी हराएंगे, अलग अलग लड़े तो भी हराएंगे। मायावती जी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, जब भाजपा की सगी नहीं हुई वो अखिलेश जी क्या होंगी, और अखिलेश यादव जी जो अपने पिता और चाचा के नहीं हुए वो बसपा मायावती जी के क्या होंगे, दोनों सांपनाथ और नागनाथ। तो यही सपा बसपा गठबंधन के अंजाम पर पीएम मोदी की भविष्यवाणी सटीक निकली है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के करीब अपनी सभी वैलियों में इस गठबंधन पर निशाना साधा था। उन्होंने सपा बसपा रालोद गठबंधन को महा मिलावटी करार दिया था। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा की अपनी जनसभा में पीएम मोदी ने कहा था कि 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक दोस्ती हुई थी, लेकिन चुनाव खत्म हुआ तो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। उन्होंने कहा कि अब एक और दोस्ती हुई है लेकिन इसके टूटने की तारीख भी तय है। उन्होंने कहा था कि यह फर्जी दोस्ती टूटने की तारीख 23 मई होगी। इस दिन बुआ बबुआ अपनी दुश्मनी का पार्ट 2 शुरू कर देंगे और वही हुआ। आपको बताओ, एक फर्जी दोस्ती टूटने की तारीख बताओ, एक फर्जी दोस्ती कब टूटेगी तारीख बताओ, आपको मालूम है कब टूटेगी? 23 मई दिन गुरुवार ये फर्जी दोस्ती फिर से टूट जाएगी। और इस दिन बुआ और बबुआ ये बुआ और बबुआ जी अपनी दुश्मनी का पार्ट 2 शुरू कर देंगे। फिर मुस्कान याद दिलाने लगेंगे, एक दूसरे को तबाह करने की धमकियां देने लगेंगे। साथियों, सिर्फ और सिर्फ अपना हित सोचने वाले ये लोग कभी गरीब का नहीं सोच सकते। तो चलिए सीधे रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर सहयोगी अभिषेक रस्तोगी की लाइव जुड़ गए हैं, जो ज्यादा जानकारी के साथ विस्तार से इन पूरे मसले पर चर्चा करेंगे। अभिषेक, जिस तरह से पीएम मोदी का हमने भाषण सुना, उन्होंने अपनी लगभग सभी सभाओं में कहा था कि 23 तारीख इस महागठबंधन की आखिरी तारीख होगी, दुश्मनी पार्ट 2, और हो भी वैसे ही रहा है। देखिए, बिल्कुल 144 दिन हुए हैं और गठबंधन के बीच में दरार साफ तौर पर पड़ गई है। जिस तरीके से तमाम रैलियों में चाहे पीएम मोदी हो चाहे अमित शाह हो, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि चुनाव खत्म होने के बाद ये जो गठबंधन है इसमें दरार पड़ेगी, और वैसे ही दिखाई पड़ रहा है। साफ तौर पर मायावती ने जिस तरीके से दिल्ली में मीटिंग करी थी, मीटिंग में उनकी पार्टी के तमाम जो सीनियर लीडर थे और जो कार्यकर्ता थे उनके साथ मीटिंग हुई है, मंथन हुआ है, उसमें साफ तौर पर मायावती ने आज जिस तरीके से अखिलेश यादव को ये कहा है, समाजवादी पार्टी को ये कहा है कि उनको वोट नहीं मिला, समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी खुद अपने यादव बाहुल क्षेत्रों में भी जो सीटें हैं वो हार गई है। इसी को लेकर उन्होंने अभी ऐलान कर दिया है कि 11 जो उपचुनाव जो होना है 11 सीटों पर जो प्रत्याशी जीते हैं, जो सीटें खाली हुई है उस पर वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभिषेक, बड़ा सवाल यह है कि 2014 के सिनेरियो, ठीक, हाँ,
2014 के सिनेरियो की अगर बात करते हैं तो बसपा एक भी सीट लाने में कामयाब नहीं रही थी, शून्य पर ही अटक गई थी, लगभग सफाया हो चुका था। 2019 के आम चुनाव की बात की जाए तो अगर गठबंधन नहीं हुआ तो पर बसपा 10 सीटें ला पाती। जिस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सपा बसपा मतलब अब नदी के वो दो किनारे की तरह हो गए, जो साथ तो चल रहे हैं लेकिन अब आगे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इस पे भी संशय है। देखिए बिल्कुल 2014 की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उस वक्त चुनाव हुआ था, उस वक्त समीकरण दूसरे थे। उसके बाद जो ये चुनाव हुआ है, इसमें समाजवादी पार्टी ने खुद की पार्टी में भीतरघात देखने को मिला। अगर हम शिवपाल सिंह यादव की बात कर लें, उनके टूटने से पार्टी कमजोर हुई, राधा भैया ने अलग पार्टी बनाई, उनकी वजह से समाजवादी पार्टी कमजोर हुई। मुलायम सिंह यादव खुद इस गठबंधन के खिलाफ थे, जो ये गठबंधन हुआ था उसको लेकर वो खुद खिलाफ थे। और अब साफ तौर पर समाजवादी पार्टी ने भी, जैसा कि अभी अखिलेश यादव का बयान आया, उन्होंने भी ये कह दिया मायावती के बयान आने के बाद कि हम अकेले पर चुनाव लड़ेंगे। तो साफ तौर पर शुरुआत जिस तरीके से इस गठबंधन की हुई थी, 144 दिन बहस हुए हैं और गठबंधन टूटने के कगार पे है, साफ इसके संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और वहीं जिस तरह से अखिलेश से नाराज होकर प्रसपा पार्टी बनाई थी शिवपाल यादव ने, अब कहीं ना कहीं ये अटकलें भी लगाई जा रही है कि भाई अब प्रसपा का भी विलय सपा में हो जाएगा। देखिए अगर मुलायम सिंह यादव की बात करें तो मुलायम सिंह एक बड़े नेता माने जाते हैं इस मामले में। उन्होंने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की थी कि जिस तरीके से मायावती के साथ इन्होंने आप बने रहिए। उससे पहले जब शिवपाल सिंह यादव ने ठीक अभिषेक बने रहिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर यूपी इनपुट हेड वंदना रावत जी भी जुड़ गई है, उनसे भी ताजा अपडेट ले लेते हैं। वंदना जी ताजा अपडेट। वंदना जी आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच रही है, हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अभिषेक आप अपनी बात पूरी कीजिए। अभिषेक आपको मेरी आवाज मिल रही है? साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जी हाँ बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता दूं कि शिवपाल सिंह यादव जब पार्टी से अलग हुए थे तो उस वक्त मुलायम सिंह ने नाराजगी जाहिर की थी, और जब अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था तब भी उन्होंने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की थी। तो अब जो समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग खुद ये चाहते हैं कि शिवपाल यादव यानी कि जो प्रतिष्ठित समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो दोबारा पार्टी में समाजवादी पार्टी में वापस आएं और 2022 का जो चुनाव होना है उसको लेकर एक मजबूत रणनीति तैयार की जाए, क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी उसने, और शिवपाल सिंह यादव के पार्टी से अलग होने के बाद भले इस चुनाव में शिवपाल सिंह यादव को सीट नहीं जीत पाए लेकिन गठबंधन को हराने में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। जितना वोट कटा अगर वो वोट गठबंधन को मिल जाता तो शायद गठबंधन की जो सीटें थी वो और बढ़ सकती थी। समाजवादी पार्टी साफ तौर पर खुद जानती है मुलायम सिंह यादव खुद नाराज थे, गठबंधन को लेकर नाराज थे, शिवपाल की पार्टी छोड़ने को लेकर नाराज थे। अब ये मंथन का दौर है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इस पर मंथन करेगी। शिवपाल सिंह यादव को भी अब ऐसा माना जा रहा है वो पार्टी में वापस आएंगे, और 2022 का जो चुनाव उसके अलावा जो अभी 11 सीटों पर चुनाव होने हैं उसको लेकर एक मजबूत तैयार समाजवादी पार्टी करेगी। ठीक है, कई प्रयोग हमने उत्तर प्रदेश में देख लिए। 2017 में हमने एक नया प्रयोग देखा था, कांग्रेस पार्टी और सपा का प्रयोग हमने देखा था, वो भी उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर हमने 2019 के आम चुनाव में हमने एक दूसरा ये प्रयोग देखा था जहां पे सपा बसपा रालोद ने अलायंस किया था, और जिस तरह के परफॉर्मेंस की उम्मीद जाहिर की जा रही थी वो परफॉर्मेंस हमें यहां भी देखने को नहीं मिला। तीसरा कौन सा प्रयोग यहां पे किया जाएगा जो वाकई में 2022 में सक्सेसफुल रहेगा? इसके चुनाव की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, जिस तरीके से इनको उम्मीद थी कि ये 30 से ज्यादा सीटें लाएंगे, 40 के आसपास इनकी सीटें आएंगी, वो पूरा जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से धराशायी होकर सिर्फ 15 सीटों पर सिमट गया। तो अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये बहुत बाखूबी जानती है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो अपने उसके मुद्दे अलग है, देश का जो चुनाव है उसके मुद्दे अलग है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें अपने अपने दम पे और बहुमत पे उत्तर प्रदेश में रही है, कोई बहुत महत्वपूर्ण या कोई बहुत आपको रोकना चाहूंगी। वंदना जी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वंदना जी आप अपनी बात पूरी कीजिए।
देखो ना कि यहाँ पे जो बात की जाए चुनाव तो फायदा होगा गठबंधन, पहले आरएनडी सपा तीनों ने मिलकर एक महागठबंधन का निर्माण किया है कि इस गठबंधन से बीजेपी को मात देंगे, एक बड़ी जीत होगी 2000 तक अपना अपना एक अलग ही। लेकिन जो 2019 में जो रिजल्ट आया अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीएसपी को सीधे तौर पर फायदा हुआ है, जहां उनको एक सीट नहीं हुआ करती थी, आज की डेट में उनके खाते में 10 एमपी संसद पहुंच गए हैं और जो 20% वोट पाने के हकदार नहीं थे आज 40% उनको वोट मिल गए। मायावती ये स्वीकार ही नहीं करना चाहती कि उनको कहीं ना कहीं इस गठबंधन से फायदा हुआ है, लेकिन वो जो उन्होंने इस कम सीट जो आई है जो मतलब आपकी संतोषजनक वो नहीं रही, उसको सारा ठिकरा जो है वो सपा पर जरूर ठोक दिया कि अब हमारे सपा से कोई संबंध नहीं रहेंगे, अब उनके संग कोई गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए अखिलेश की तो ये अखिलेश की शायद सबसे बड़ी गलती होगी और शायद दूसरी गलती होगी 2014 में जो उन्होंने गलती दोहराई थी कांग्रेस के साथ में गठबंधन करके, उन्होंने 2019 में बीएसपी को इसका फायदा दिया। हालांकि जो सपा एक अच्छी सीट अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, बीजेपी के सामने टक्कर दे सकती थी 2019 में, लेकिन बीएसपी से गठबंधन करने पर उनको जो नुकसान हुआ है वो उसका खामियाजा उनको भुगतने में काफी समय लगेगा। फिर गोरखपुर फूलपुर तमाम जगहों का हम देख लेते हैं, तो जिस तरह से जो रिजल्ट हमने गठबंधन का देखा था वो रिजल्ट हमने आम चुनाव में नहीं देखा, और अब दोनों ही पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी तो किसको कितना ज्यादा नफा नुकसान। चलिए लगता है शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, वंदना जी हमारे साथ जुड़ी थी उनका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, अभिषेक आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।